ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने सभी मौजूदा 10 सांसदों को बदलने और सभी 11 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारने का लिया फैसला। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश, महासमुंद और राजनांदगांव में पड़े ओले। और अब से थोड़ी देर बाद जगह जगह किया जाएगा होलिका दहन, कल मनाई जाएगी होली। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल संस्था के अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की है। 66 वर्ष के न्यायमूर्ति घोष मई 2017 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे 29 जून 2017 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। लोकपाल संस्था में 4 न्यायिक और 4 अन्य सदस्य होंगे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती और अभिलाषा कुमारी तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी को न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसे लोक सेवकों के विभिन्न श्रेणियों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी का अधिकार दिया गया है। यह अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपने सभी मौजूदा 10 सांसदों को बदलने और सभी 11 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। पार्टी महासचिव और राज्य के प्रभारी अनिल जैन ने कल नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से ये बात कही। छत्तीसगढ़ यूनिट ने केंद्रीय चुनाव समिति से आग्रह किया कि हम सर्वसम्मति से स्वेच्छा से ये चाहते हैं कि सारे कैंडिडेट बदले जाएं और नए चेहरे, नए उत्साह, नए कलेवर के साथ पार्टी चुनाव में जाना चाहती है, जिसकी अनुमति हमें केंद्रीय चुनाव समिति ने दे दी है। अब हम तैयारी के साथ चुनाव समिति के साथ जाएंगे। इसमें जो 2018 में जो भारी लोगों पर विचार नहीं होगा, सभी नए चेहरे आएंगे। उत्तर मध्य रेलवे में आवश्यक रखरखाव के कारण बिलासपुर से गुजरने वाली उत्कल एक्सप्रेस एक हफ्ते तक रद्द रहेगी। पुरी से चलने वाली पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस 22 से 26 मार्च तक और हरिद्वार से छूटने वाली हरिद्वार पुरी उत्कल एक्सप्रेस 24 से 28 मार्च तक नहीं चलेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रायपुर जिले में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान के तहत आज महिलाओं ने बाइक रैली निकाली और लोगों को मतदान का संदेश दिया। इस रैली में करीब 400 महिलाओं ने भाग लिया। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित यह रैली कलेक्ट्रेट से शुरू हुई और जीई रोड होते हुए शहर के अनुपम गार्डन में समाप्त हुई। इस मौके पर संभाग आयुक्त जीआर चुरेंद्र ने उपस्थित जनसमुदाय को अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की शपथ दिलाई। श्री चुरेंद्र ने कहा कि देश के लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए सभी को मतदान करना चाहिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि महिलाओं ने बाइक रैली के माध्यम से उन लोगों को यह संदेश दिया है जो मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते बल्कि घर में बैठे रहते हैं। उन्होंने बताया कि जिस उत्साह से महिलाओं ने आज बाइक रैली निकाली है, इसे देखते हुए यह रैली अब हर सप्ताह शहर के विभिन्न हिस्सों में आयोजित कर लोगों को मतदान का संदेश देगी। इस्पात नगरी भिलाई के 3 युवाओं का चयन स्पेन में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कोरियोग्राफी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। रोशन घड़ेकर, प्रदीप गुप्ता और पुरेंद्र मेश्राम ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए अपनी कोरियोग्राफी का वीडियो अपलोड किया था, जिसके बाद हजारों प्रतियोगियों के बीच अंतिम 10 में इन 3 युवाओं को भाग लेने का अवसर मिला है। इन युवाओं ने अपनी कोरियोग्राफी के वीडियो में शारीरिक हावभाव, पैरों की आवाज और सांस लेने तथा छोड़ने की गति के साथ कहानी को एक अनूठे अंदाज में दर्शकों तक पहुंचाने का प्रदर्शन किया है। इसी आधार पर इनका चयन किया गया। यह प्रतियोगिता आगामी 17 और 18 मई को स्पेन के क्लेंसिया में होंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। विशेष पुलिस महानिदेशक आर के विज ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन सवारों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के सभी जिलों से आए यातायात प्रभारियों की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में
उन्होंने यातायात अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना बनाने के साथ ही दुर्घटनाजन्य स्थानों को चिन्हांकित करने और असुरक्षित सड़क मार्गों की पहचान करने के निर्देश दिए। श्री विज ने बैठक में ट्रैफिक नियमों के संबंध में जनता में जागरूकता लाने और इन नियमों का पालन करने तथा सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस को सक्रियता के साथ कार्य करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यातायात के संबंध में प्राप्त अनुभवों को अपने कार्यक्षेत्र में जन सहभागिता की मदद से लागू करने की बात भी कही। बलरामपुर जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर से रामानुजगंज की ओर जा रही ट्रक तथा धौलपुर जा रही चारपहिया वाहन में भिड़ंत हो गई। इस सड़क हादसे में चारपहिया सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर दुर्ग जिले के सेलूद धमतरी मार्ग पर बस और मेटाडोर की टक्कर में बस चालक सहित 9 यात्री घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। दोपहर तक धूप रहने के बाद शाम को अचानक राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं महासमुंद के सांकरा और राजनांदगांव के चिचोला में ओले गिरने की भी खबर है। दुर्ग भिलाई में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विज्ञानी हरिप्रसाद चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राजस्थान की ऊपरी हवा में सक्रिय चक्रवात के कारण सरगुजा संभाग में बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं कर्नाटक और मराठवाड़ा के ऊपर बने चक्रवात के कारण बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उधर बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण प्रदेश में अगले 1-2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा के साथ अंधड़ चलने के भी आसार हैं। प्रेम भाईचारे और रंगों का त्यौहार होली कल मनाया जाएगा। इसके पहले आज रात बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका दहन किया जाएगा। राजधानी रायपुर के प्रमुख चौराहों और गली मोहल्लों में होलिका दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। होलिका दहन करने वाले स्थानों के आसपास ढोल नगाड़ों की थाप लगातार सुनाई दे रही है। त्यौहार के कारण पिछले कुछ दिनों से बाजारों में भी रौनक देखते बनती है। जगह जगह रंग गुलाल और पिचकारी की दुकानें सजी हुई हैं। होली को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा मिठाई की दुकानों में भी भीड़ देखी जा रही है। गांवों में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह है। वहीं इस बार जागरूकता की वजह से कई जगहों पर लकड़ी के स्थान पर कंडों की होली जलाने की तैयारी की गई है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लोगों से हरे भरे वृक्ष नहीं काटने की अपील की है। इसके अलावा होली में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल रंगों और मुखौटों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। होली पर्व और लोकसभा चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के माओवाद से प्रभावित जिलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी होली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो 24 घंटे काम करेगा। साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए शहर में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। गरियाबंद जिले में इन दिनों पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 8 मार्च को पोषण पखवाड़े के साथ इस अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में व्यंजन प्रतियोगिता, बाल भोज और पोषण दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके बाद ग्राम सभा, साइकिल रैली, चित्रकला, रंगोली और भाषण प्रतियोगिताएं भी हुई। इस अभियान का समापन 22 मार्च को होगा। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डीएड और डीएलएड पूरक परीक्षा की पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परिणामों को माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव के तहत बेमेतरा जिले के 10 मतदान केंद्रों में संगवारी आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा और कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में वहां जांच के दौरान पुलिस ने अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने सभी मौजूदा 10 सांसदों को बदलने और सभी 11 सीटों पर नए उम्मीदवारों को उतारने का लिया फैसला। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश। महासमुंद और राजनांदगांव में पड़े ओले। और अब से थोड़ी देर बाद जगह जगह किया जाएगा होलिका दहन। कल मनाई जाएगी होली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।